छह नामों का पैनल देने का मतलब ये नहीं है कि प्रत्याशी का नाम दे दिया है। अभी पैनल पर मंथन होगा और भाजपा जो ये कवायद कर रही है वो पहले बहुत कोशिश करती है कि इस तरह की कसरत करके वो सामने वाले को डराने का प्रयास करे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ भाजपा के लोगों को कि हमारे प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी ने प्रस्ताव किया है कि स्वयं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में वहां से शिरकत करें या वहां से अपना बिगुल फूकने का काम करें। मैं निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से कि आप सल्ट से आए, आपका स्वागत है चुनाव लड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की, जहां तक आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने विधानसभा प्रभारी आज से 3 महीने पहले क्षेत्र में उतार चुकी थी। उसके अलावा हमने सल्ट विधानसभा के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और उन दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को के साथ साझा की है और बहुत जल्द आपको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नाम सामने मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कह देना चाहती हूँ कि आज प्रदेश के अंदर जनता प्रचंड बहुमत की, डबल इंजन की, भाजपा की सरकार से बहुत आहत है, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है, अपमानित महसूस कर रही है। कोई समाज का तबका ऐसा नहीं है जिसके लिए जनहित के फैसले लिए गए हों, और उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, हैं तो उसी दल के, लेकिन अपने ही पुराने मुख्यमंत्री के सारे फैसलों को एक के बाद एक बदलने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब 4 साल में आपने इस प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया और इस प्रदेश की जनता को मोहरों की तरह यूज किया। देखिए, गैरसैंण के मामले में अब जिस तरह से मेढक की तरह ये सारे मंत्री और विधायक बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ये दोहरा चरित्र है। ये इन लोगों का यही बहरूपिया चेहरा है जो जनता के सामने धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की गई थी कि गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया गया था। अगर आप इतने पहाड़ हितैषी थे तो आपको उसी दिन अपने मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए थे। आज जब वो अपदस्थ हो गए हैं, वो हटकर तीरथ सिंह रावत जी उनकी जगह ले चुके हैं, तो अब त्रिवेंद्र रावत जी में खोट ही खोट नजर आ रहा है भाजपा के मंत्रियों को, उनके फैसलों में आपको कमियां नजर आ रही हैं। मैं कहना चाहती हूं कि अब सिर्फ चुनावों को देखते हुए, अपने पैरों से खिसकती जमीन को देखते हुए, चाहे रेखा आर्या हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, सारे के सारे आप मुखर रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, तो पहाड़ की जनता भी इस बात को भली भांति समझती है कि इस फैसले का विरोध अगर सदन के भीतर और सदन के बाहर किसी ने किया तो वो कांग्रेस के 11 विधायकों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल करके किया। उस वक्त आपने मौन साध रखा था क्योंकि आपको नेतृत्व परिवर्तन की खबर तक नहीं थी, लेकिन अब 10 दिन बाद आप इस बात पर विरोध जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र आपका आज कांग्रेस पार्टी शुरुआत से, जब से ये सत्ता पर काबिज हुए, जिस तरह से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि आज पूरी तरह से उत्तराखंड के जनता जनार्दन का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और वो इस बात को समझते हैं कि हमारे दुख में, परेशानी में, कष्ट में अगर कोई पार्टी हमारे साथ खड़ी रही, हमारी आवाज़ को मुखर किया, हमने देवस्थानम बोर्ड में पंडा पुरोहितों का साथ दिया, हमने जिला प्राधिकरण के गठन में पुरजोर विरोध किया सरकार के इस फैसले का, फिर हमने गैरसैंण को मंडल बनाने का विरोध किया, भू कानून में जो बदलाव लाया गया उसका हमने विरोध किया, यौन उत्पीड़न जिस तरह से भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया उसमें हमने पूरी तरह से साथ दिया, तो कहीं ना कहीं आज जनता इस बात को समझ रही है कि महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर अगर वृहद प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का प्रयास किया और सरकार को घुटने टेकने पर अगर मजबूर किया है, आज आप देख लीजिए प्राधिकरण वापस लिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए देवस्थानम बोर्ड के गठन पर जो है पुनर्विचार किया जा रहा है, मंडल बनाए जाने को, गैरसैंण को पुनर्विचार किया जा रहा है, तो ये सारी कांग्रेस की मांगे थी जिसके आगे सरकार ने आज घुटने टेके हैं, और यहां तक की सरकार मजबूर हो गई कि उसको अपना नेतृत्व परिवर्तन तक यहां संगठन और सरकार के अंदर करना पड़ा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तरफ लोगों का आत्मीयता बढ़ी है, लोगों को दिखाई देने लगा है कि अगर इस प्रदेश में कोई सुशासन दे सकता है या उनके जनहित के फैसले ले सकता है, इस प्रदेश के विकास को लगातार गति दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे